हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम सिखाएंगे आपको हाउ टू ड्राइव ए कार, कार कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गियर बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये गियर है और इस गियर में है यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। अब ये तो गियर बॉक्स की बात हुई, अब मैं आपको दिखाऊंगा पेडल्स। तीन पेडल होते हैं, ए बी सी। ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक एंड सी फॉर क्लच। तो यहाँ पर तीन पेडल दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला जो पेडल है वो है एक्सेलरेटर, उसको आप दबाएंगे तो कार एकदम साउंड करने लगेगी। जो उसके करीब वाला है सेकंड नंबर का, फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड, वो है ब्रेक। और जो तीसरे नंबर का है वो है क्लच। तो जब भी हम गियर लगाएंगे तो सबसे पहले क्लच को दबाएंगे और उसके बाद ही गियर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट इज एक्सेलरेटर, सेकंड इज ब्रेक और जो तीसरा है वो है क्लच। इन दोनों पेडल्स को हम सेम लेग से ऑपरेट करेंगे और जो ये तीसरा है इसको हम लेफ्ट लेग से ऑपरेट करेंगे। हम कार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हम इस क्लच को दबाते हैं। इस क्लच को दबाने के बाद ये हमारा जो गियर बॉक्स है फ्री हो जाता है। इसको मैंने दबाया है, इसको चेक करते हैं न्यूट्रल है या नहीं है, मतलब गाड़ी हमारी गियर में तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये राइट और लेफ्ट इजीली मूव कर रहा है, राइट और लेफ्ट इजीली मूव कर रहा है, अगर राइट और लेफ्ट इजीली मूव कर रहा है मतलब हमारा गियर न्यूट्रल है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे और ऊपर करेंगे इसको तो हम कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट गियर पर पहुँच गए। फिर ये अभी मेरा क्लच दबा हुआ है, फिर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगा, फिर लेफ्ट जाऊँगा और नीचे करूँगा तो मैं सेकंड पर पहुँच जाऊँगा। फिर मैं अगर इसको ऊपर करके छोड़ देता हूँ तो अभी ये न्यूट्रल पोजिशन में, और सिर्फ मैं इसको एक ऊपर करूँगा तो मैं थर्ड पोजीशन पर पहुँच जाऊँगा। थर्ड के बाद मैं नीचे करूँगा न्यूट्रल पोजीशन, फिर मैं फोर्थ में आ गया, ऊपर करूँगा राइट जाऊँगा और ऊपर कर दूँगा अगर तो मैं फिफ्थ पर पहुँच जाऊँगा। यू कैन सी फिफ्थ गियर पर अगर मैं नीचे करता हूँ, अभी न्यूट्रल पोजीशन आ जाती है, ये इस लाइन पर आ गया मैं। फिर उसके बाद अगर मैं राइट करके डाउन करता हूँ तो मैं रिवर्स में आ जाता हूँ। तो ये फंक्शनिंग होती है गियर की, ये गियर आपको क्लच दबा कर ही करना है, ठीक है गाइस। बीच वाली लाइन न्यूट्रल लाइन होती है, ये न्यूट्रल लाइन है, इस भी मैं किसी भी गियर में नहीं हूँ। अगर मैं लेफ्ट अपर जाता हूँ तो मैं फर्स्ट गियर में चला जाता हूँ, मैं फर्स्ट गियर में चला गया। अब मैं अगर इधर उधर करूँगा तो ये मूव नहीं करेगा, इस तरह देख सकते हैं आप, ये मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा। जब मैं इस बीच वाली लाइन न्यूट्रल लाइन पर आ जाऊँगा तब ये मूव करेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब जब मैं लेफ्ट डाउन जाऊँगा तब मैं सेकंड पर पहुँच जाऊँगा। थर्ड और फोर्थ लगाना बहुत ईजी होता है, आप सिर्फ ऊपर कर दें इसको, न्यूट्रल लाइन पर चले जाएं, छोड़ दें गियर को। आप अगर छोड़ देंगे और सिर्फ ऊपर कर देंगे ना तो थर्ड में पहुंच जाएंगे, नीचे करेंगे न्यूट्रल लाइन आ गई, फिर नीचे कर देंगे तो फोर्थ गियर पे पहुंच जाएंगे। ऊपर करेंगे राइट में जाएंगे, ऊपर करेंगे फिफ्थ गियर में पहुंच जाएंगे, नीचे करेंगे फिफ्थ से न्यूट्रल लाइन आ गई, न्यूट्रल लाइन में राइट में डाउन करेंगे, नीचे करेंगे तो रिवर्स गियर लगेगा। हमेशा याद रखना चलती गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं लगाना होता है। अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपको पांच गियर का यूज़ करना है। आप गाड़ी रोकेंगे उसके बाद आप रिवर्स का इस्तेमाल करेंगे, ये होती है गियर फंक्शनिंग। तो सब क्लच दबाएंगे, मैंने आपको बता दिया है जो थर्ड नंबर का है वो क्लच है। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम क्लच को दबाते हैं,
तो क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर लगाओ। फर्स्ट गियर कहाँ पर लगाना है, या ये फर्स्ट गियर लगा दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, और ये हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई है। हमने जैसे ही फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच छोड़ना होता है और जो एक्सेलरेटर होता है उसको धीरे से दबाना होता है। अब आप सेकंड गियर चेंज करेंगे, क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगाओ। नीचे नीचे आता है ना सेकंड, हाँ ठीक है। देखना गाड़ी आ रही है सामने से, धीरे धीरे रेस दबाएंगे हम, एक्सेलरेटर दबाएंगे। चलने दो चलने दो, देखना सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा उधर से लो, ठीक है। सेकंड पे ही चलने देना, अभी अपन बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, तो सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड पे ही चलाएंगे। आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी गाइस, बहुत आसान होता है कार चलाना। याद रखना कि जब स्टार्टिंग करें, जब नए नए कार चलाना सीख रहे हो, तो एक ओपन फील्ड हो या फिर ऐसा कोई ऐसा रोड हो जो बिल्कुल खाली हो, कभी भी ट्रैफिक वाले रोड पर कार नहीं चलाना सीखते हैं स्टार्टिंग बिगनर में, एकदम स्टार्टिंग में। चलाओ चलाओ चलाओ, देखना गाड़ी आ रही है सामने से, संभल के थोड़ा सा, हाँ चलने दो, डरना नहीं है, ठीक है। अब धीरे से क्लच दबाएं और ब्रेक पर पैर रखें, स्लोली ब्रेक दबाएं, ठीक है। क्लच दबा दें पूरा। अब धीरे धीरे फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करें गाड़ी, जैसे ही आप रोक लेते हैं उसके बाद फर्स्ट गियर कहाँ आएगा, हाँ ठीक है। क्लच छोड़ें और एक्सेलरेटर हल्का हल्का सा दबाएं, ठीक है। चलने दे, घुमा दें, पूरे घुमा दें, या वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। चलने दें, अब सेकंड गियर पर शिफ्ट करें, क्लच दबाएं, एक्सेलरेटर नहीं, क्लच, सेकंड गियर, ठीक है। अब क्लच छोड़कर एक्सेलरेटर हल्का हल्का प्रेस करें, ओके वेरी गुड। देखिए कितना आसान है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। स्लो, फास्ट जा रहे हैं आप, स्लो चलें। बढ़िया, अब आप अच्छे सीख रहे हैं धीरे धीरे। चलने दे, तुम्हारी बना, ठीक है।